सभी को राधे राधे। मैं शिव सिंह और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो चलते हैं और आज आपको मैं बताने वाली हूं कि आप मैचिंग का स्टेप, यानी कि जो आप मैचिंग का चेंजिंग स्टेप लगाते हैं उसको बजाने में जिस तरह से आप ढोलक के साथ उसे मैच करते हैं उसमें अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आज मैं आपको वही बताने वाली हूं कि आप उसको कैसे मैच करें। नाल की टपली की स्टार्टिंग ढोलक के साथ कैसे लगाते हैं उसको देखते हैं आज। तो ये दोनों ही काम की चीजें हैं, जो छोटे छोटे टिप्स हैं वो आज आपको बताने वाली हूं। तो सभी से मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी हर वीडियो को लाइक करें। सबसे पहला प्रश्न कि चेंजिंग के स्टेप को हम ढोलक के साथ कैसे लगाएं, यानी कि उसको हम कैसे मैच करें कि हम ढोलक बजाते वक्त अटके नहीं। तो चलिए सबसे पहले आपको बताती हूं कि जब हम ढोलक की स्टार्टिंग करते हैं, यानी कि स्टार्टिंग करने के बाद हमने ढोलक आपको मैच करना बताया था, यानी कि जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो ढोलक जब हम स्टार्टिंग से बजाएंगे तो हमारी ढोलक रुक जाएगी, लेकिन जब हम सिंगल स्टेप बजाकर ढोलक स्टार्ट करते हैं तो वो एकदम परफेक्ट आती है। जैसे हमने बजाया 1 2 1 2 1, इस हाथ से सिंगल स्टेप लगाया और लास्ट के जो 5 6 7 जो मैंने आपको बताए थे ना मैजिकल वर्ड 5 6 7, तो कैसे गाते हैं 1 5 6 7 तुरंत लगाया, यानी कि से यहां देखते हैं आप इन नोट्स को, यहां देखिए अगर आपको यहां नहीं दिखता है। मेरे पास कई लोगों का प्रश्न आता है कि दीदी आप जब ढोलक आप नोट्स आगे बताते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है लेकिन साइड का नहीं दिखता। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि पहले मैं दो ढोलक पर आपको सारे स्टेप दिखाती थी, पर कुछ लोगों ने कहा कि दीदी आप दो पे दिखाते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि हम कैसे करें। तब से मैंने सिंगल ढोलक पर सिखाना स्टार्ट किया। चलिए आपकी इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं आपके लिए सारे स्टेप एक बार डबल ढोलक पर पूरे कंटिन्यू बताऊंगी। पहले आज देखते हैं कि उन स्टेप को हम आगे कैसे आपको दिखाते हैं कि इस पर कैसे बजाते हैं और फिर उसके बाद यहां बजाएंगे। सबसे पहले 1 2 1 2 1 सिंगल स्टेप लगाया, 1 2 3 या 5 6 7, ठीक है 6 में ये 7 लगाते हैं हम और 7 खाली। इसके बाद चेंजिंग का स्टेप हम ढोलक के साथ कैसे मैच करते हैं। हमने ढोलक बजाई, हम 7 पर रुक गए, इसके बाद क्या करेंगे हम 1 2 1 1 2 1 1, यानी कि 1 2 3 1 2 3 1 1 2 3 1 2 3 1 कैसे बजाया हमने 1 2 3, यानी 1 7 2 3 खाली, ठीक है। इसमें कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि आपको यहां सिंगल लगाना है यहां घुमाकर लगाना है, नहीं। कैसे लगाएंगे 1 2 3 1 2 3 1, यहां देखते हैं इसको, हमने ढोलक बजाई, हम 7 पर रुक गए, हमने बजाया 1 2 3 1 2 3 1, 1 7 है तीनों बार, यानी कि 1 2 3 1 2 3 1, लेकिन हम रुकते कहां है लास्ट में आके 1 पर 1 2 3 1 2 3 1 1 2 3 1 2 3 1, हमें कहीं रुकना नहीं है। स्टार्टिंग की है तो डायरेक्ट एंड पर आकर रुकेंगे हम 1 2 3 1 2 3 1 1 2 3 1 2 3 1। इससे हम ढोलक के साथ बहुत इजीली मैच कर सकते हैं, बहुत इजीली। आप हाथ को उठा लें, अगर आप उठा सकते हैं तो उठाइए, नहीं उठा सकते रोक लीजिए यहीं पर, मेरी आदत है उठाने की इसलिए मैं आपको बता रही हूं। और हाँ, अगर हाथ को आप उठाते हैं तो ढोलक में ट्विस्ट आ जाता है, बस वो देखने में अच्छी लगती है इसलिए उठाते हैं हम हाथ को। दूसरा स्टेप, आपने कहा कि हम ढोलक के साथ नाल की ढपली को कैसे मैच करें। इजिली स्टेप मैं आपको बताती हूं कि आप नाल की ढपली को कैसे मैच कर सकते हैं। जैसे हमने बजाया ढोलक की स्टार्टिंग, 7 पर रुक गए, अब हम नाल की ढपली को किस स्टेप से स्टार्ट करें, यानी कि सेकंड स्टेप से। मैंने आपसे पिछली वीडियो में भी कहा था कि नाल की ढपली मैंने दो तरह से आपको सिखाई है, दो तरह से, एक मैंने फर्स्ट स्टेप से और एक मैंने आपको सेकंड स्टेप से। सेकंड स्टेप से मैंने आपको क्यों सिखाई थी, क्योंकि ढोलक के साथ हम फर्स्ट स्टेप से नाल की ढपली मैच नहीं कर सकते, हम हमेशा सेकंड स्टेप से मैच करते हैं। हमने ढोलक बजाई, यहां रुके, अब हमने नाल की ढपली कैसे मैच की है, यह है सेकंड स्टेप, यानी कि पहला 7 दूसरा खाली, ठीक है। कैसे बजाया, इसके बाद 1 2 3, ठीक है। यानी कि सेकंड स्टेप से पहला 7 दूसरा खाली 1 2 3, फिर पहला खाली और दूसरा 7, ये भी 7 स्टेप है पूरे, यानी कि 1 2 3 4 5
ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्टेप, 7 स्टेप ढोलक में, 7 स्टेप ढोलक की ढपली में और 7 स्टेप नाल की ढपली में। ये 7 स्टेप का कमाल देख रहे हैं ना आप लोग सारी वीडियो में, यानी कि सारे जितने स्टेप हम बजाते हैं, ढोलक हो, नाल की ढपली हो या ढोलक की ढपली, सभी में 7 स्टेप का कमाल हुआ है, ठीक है ना। ये तो थी आपकी बहुत छोटी छोटी टिप्स, यानी कि आप कैसे मैच करते हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूं, जब भी आप ढोलक बजाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि आप जिस भजन पर बजा रहे हैं उसे पहले ही तैयार कर लें कि वो नाल की ढपली का है या वो ढोलक की ढपली का है, तो आप उसी हिसाब से उसे मैच करें। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी भजन में आपने ढोलक की ढपली भी लगा दी, नाल की ढपली भी लगा दी, नहीं, एक भजन सिंगल एक ही ढपली से बजेगा, या तो वो नाल की ढपली से बजेगा या ढोलक की ढपली से बजेगा, ठीक है ना। तो चलते हैं, और जाते जाते आपके लिए एक बहुत प्यारा सा भजन जो मैं आपके लिए लेकर आई हूं उसे सुनते हैं, और क्या कहते हैं, हुक्काऊ दिन एक पलक में रह जाएगी तेरी काया की हवेली, हुक्काऊ दिन एक पलक में रह जाएगी तेरी काया की हवेली, तेरी काया की हवेली, तेरी काया की हवेली, हुक्काऊ दिन, हुक्काऊ दिन, हुक्काऊ दिन एक पलक लगा आपको ये भजन, मुझे कमेंट बॉक्स द्वारा जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स की तो इंतजार रहता है मुझे कि आप इतने अच्छे प्यारे प्यारे मुझे कमेंट्स करते हैं, और उन कमेंट्स के आधार पर मैं आपकी प्रॉब्लम को दूर करती हूं। तो चलते हैं, और जाते जाते सभी से मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी हर वीडियो को लाइक करें। तो कहते हैं राधे राधे।